बहराइच उत्सव जैसे माहौल में गंतव्य की ओर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। आगरला मंडी परिसर वाहन मतदान कार्मिकों के बैठने व शीतला जलकार हाउचित प्रबंधड़ी MSP की हौसला अफजाई से कार्मिकों को मिला उत्साह। बहराइच लोकसभा सामान्य निर्वाचन ड्यूटीज ड्यू छोर अंतर्गत 22 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच हेतु 3 मई ड्यूटीज ड्यू छोर को संपन्न होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल को जहां रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया। ग्यावा भी खेड़ रहे मतदान कार्मिकों के स्टेस जाए वान भी मतदान कार्मिकों को उत्सव एहसास करार विमस्कृत सरियो पोलिंग पार्टियों में शामिल कार्मिकों के बैठने शीतल जल प्रसादन इत्यादि के माकूल बंदोबस्त ने लोकतंत्र के महापर्व में मतदान जैसे सर अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए जाने वाले कार्मिकों के स्ट्रेस को कम करने में मदद कर रहे थे। पार्टियों के डिस्पैच के लिए किए बेहतर प्रबंध से मतदान कार्मिकों को प्रस्थान करने में काफी आसानी हो रही थी। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए बेहतर प्रबंधन की सूत्रधार जिलाधिकारी मोनिका रानी मात्र इतने से ही संतुष्ट नहीं दिखी बल्कि पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार मंडी परिसर में भ्रमणशील रहते हुए जहां एक और पूरी व्यवस्था पर नजर रख रही थी वहीं पोलिंग पार्टियों में शामिल मतदान कार्मिकों को लगातार हौसला देकर उन्हें मतदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप संपन्न कराने के लिए प्रेरित कर रही थी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित सामान प्रेक्षक अनिल राय की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान DM मोनिका रानी SP बृंदाश उकलाध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से लगातार कार्मिकों को यह संदेश दे रही थीं कि आप सब बुलंद हौसलों के साथ मतदान केंद्र पर जाकर पूरी निर्भीकता के साथ आयोग की मंशानुरूप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। जिला प्रशासन आपके साथ है। मतदान के दौरान सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी तैनात किए गए तो लगातार भ्रमणशील रहेंगे। जनरथ एक्सप्रेस बहराइच में कल मतदान हो रहा है उसी के दृष्टिगत आज मंडी स्थल से पोलिंग पार्टी की रवानगी जो है 1385 बूथों पर की जा रही है जिसमें आज सुबह से ही जो है मतदान कार्मिकों के दृष्टिगत बहुत सारी व्यवस्थाएं यहां की गई और जो है पूरे कैंपस को सजाया गया। इसमें पार्टी ने अपना सामान ले लिया है और जब वो बूथों पर जाएंगी तो उनके लिए समस्त प्रकार की सुविधाएँ उनको मिलेगी जैसे पीने के पानी का है टेंट शेड है वही बूथ भी बहुत ही सुसज्जित तरीके से सजाए गए हैं मॉडर्न बूथ पिंक बूथ युवा बूथ दिव्यांग बूथ के बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत भी वीडियो कैमरा स्टैटिक मैजिस्ट्रेट वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने लगभग सारे बूथों का चार्ज कर लिया है और आज अभी पोलिंग पार्टियाँ रवानगी शुरू हो जाएंगी। इनके दृष्टिगत यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे मतदान कार्मिकों ने बहुत मेहनत की है तो उनके मेहनत के दृष्टिगत रखते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो पुलिस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग प्रतिभाग करें। आपके माध्यम से मैं ये अपील करूँ। मैम भारत नेपाल की सीमा को कितने घंटे पहले सील कर दिया गया है और कब तक वो सील करेंगे? ये 72 घंटे के लिए किया गया है और जब तक मतदान पूरा संपन्न नहीं हो जाता तब तक वो सील रहेगा। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में पास जारी करने की भी व्यवस्था की गई है तो 72 घंटे के लिए। शेडो एरिया कितने हैं और वहाँ पर क्या प्रबंध है? शेडो एरिया वर्तमान में 17 है, पहले 21 थे अभी 17 है और वहाँ पर बैकपैक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वहाँ पर नेटवर्क के रूप में जो हमारे मतदान कार्मिक हैं वो आसानी से वार्ता कर सकें। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।